जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास अब हम पहली लेयर को डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की, जो हमारी पहली लेयर है, बॉटम लेयर कह लें, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को डिस्कस करने से पहले हम दोबारा दे हमारे इल्म में है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मेजर कंपोजिशन जो है गैसेज की, उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 78.1% है। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट अबंडेंट गैस है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 20.9% या 21% हम इसे कह सकते हैं। अब ये दोनों गैसेस मजमूई तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर का 99% अप्रॉक्सीमेटली बना रही हैं, ठीक है। यानी 99% हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस में, टेम्परेचर को सस्टेन करने में इन दोनों गैसेस का कोई रोल नहीं है। जो हमारे पास हमने देखा था कि हमने टेम्परेचर की बेस पर जो है वो लेयर्स को डिवाइड किया है, एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया लेयर्स में, तो उसमें जो है जो मेजर गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। किन का रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर वेपर्स का, जो ऑलमोस्ट जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं, उसकी वजह से हमारी ये जो पहले लेयर ट्रोपोस्फीयर, इसमें जो है वो टेम्परेचर वेरिएट होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कैसे? ऐसे कि हमारे पास जो सन लाइट है वो ज़मीन पर आती है, मोस्टली जो विजिबल लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजरते हुए ज़मीन पर आती है। अब ज़मीन जो है इस हमारी जो विजिबल लाइट है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर है, और हमारी अर्थ जो है वो इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। अब उसके बाद जो है हमारी अर्थ जो है इसको रेडिएट बैक करती है, यानी एक तरफ जज़ब कर लिया, फिर उसको दोबारा जो है वो वापस भेजेगी, वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करेगी अब्सॉर्प्शन के बाद, और वो जो जिस शक्ल में करेगी उसे बोलते हैं हम इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड लाइट की सूरत में। और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। अब ये थोड़ी वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं, ये बड़े वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं। तो विजिबल लाइट जो इस वेवलेंथ पे थी उस पे तो कार्बन डाइऑक्साइड वापर वेपर्स जो हैं वो उसको आने देते हैं, लेकिन जो ज़मीन रेडिएट बैक करती है कौन सी हीट की? इंफ्रारेड रेडिएशंस वाली जो हीट है इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसको अब्सॉर्ब करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो फ़िज़ा है वो हीट होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर जो ओवरऑल हमारे एटमॉस्फेयर वो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 17 डिग्री सेंटीग्रेड किस वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स की वजह से। अब जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड यानी फ़िज़ा की तरफ जाएंगे, स्पेस की तरफ निकलेंगे, तो ये दोनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है नतीजतन जो ये हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो कैपेसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और होता होता हमारे पास -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जो हम पहले से उसे डिफाइन कर चुके हैं कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो ऑन एवरेज 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुश्तमिल है। अब ये तो था इसकी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह। अब ये हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें हमें थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो क्या है? हमारा यही वो फेज़ है, यही वो लेयर है जिसमें ज़्यादातर जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, हमारे मौसमों की जितनी तब्दीलियाँ हैं वो हमारे इसी ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा है, इसी वजह से इसका नाम भी जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, यानी ऐसा स्फेयर जिसमें चेंजेस हो रही हैं, और वो चेंजेस कौन सी हैं? वेदर की चेंजेस। अच्छा, हमारा जो फ्लाई जोन्स हैं, हमारे जो जहाज़ जो हैं वो जिस जोन में फ़्लाई करते हैं वो भी इसकी अपर लिमिट में आता है, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर अबव तक जो है हमारे जो फ्लाइंग ऑपरेशन है वो इस जोन में होता है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये तो इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे पास ऑन अर्थ द हाईएस्ट जो है वो चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो बुलंदी है माउंट एवरेस्ट की वो है 8.8 किलोमीटर। यानी ये भी हमारे जो है कुदरती तौर पर हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें 8.8 किलोमीटर तक नेचुरली जो है वो इतना हाइट पे जो है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट मौजूद है माउंट एवरेस्ट की शक्ल में। अब इंसान ने भी तरक्की की है, इंसान ने क्या किया, इंसान ने बुर्ज खलीफा बना दिया है, और जो बुर्ज खलीफा है इसकी जो लेंथ है वो है 8.2 किलोमीटर। यानी ये आलमोस्ट टच कर रहे हैं हमारे इस ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेवल है या अपर लेज है, अपर एज है उसको। तो ये जो है थोड़ी सी इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है पहली लेयर है ज़मीन से, जैसे हम स्पेस की तरफ निकलते हैं, और अगर हम स्पेस से नीचे ज़मीन की तरफ आएँ तो ये हमारे पास सबसे एंड पे बॉटम लेयर है जी स्टूडेंट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद जो हमारी दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर की जो हमारी बुक में दी गई है, इसको हमने इन डिटेल थोड़ा सा स्टडी करना है स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे पहले हम इसको इंडिकेट कर चुके हैं कि ये दो लेयर्स के दरमियान है, तो दो डिस्टिंक्ट दो नुमाया लेयर्स के दरमियान, एक तरफ थोड़ी इसका जो टेम्परेचर है वो जो लोअर बॉटम पर है वो -58 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अपर एज पर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है स्ट्रेटोस्फीयर में वो किसकी वजह से है। तो जब इसको स्टडी किया गया है तो दी ओनली रीज़न फॉर द राइज इन टेम्परेचर के इस लेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उस इंक्रीज़ होने की वजह जो है वो ओज़ोन है। जी हाँ, ओज़ोन जिसका नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं और जिससे बखूबी वाकफ़ है। अब होता क्या है, होता यह है कि सनलाइट जो आती है तो इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, सनलाइट में मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर में आएगी तो ओजोन जो है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रोक लेगा, रोकेगा मतलब उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ओजोन का फार्मूला हमें पता है O3। जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं UV रेडिएशंस उसको हिट करेंगी, इसको अब्जॉर्ब करेंगी, तो क्या होगा, ये उसको रोक लेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किस में, ऑक्सीजन गैस में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो इस तरह जो है इस हीट की अब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, इंक्रीज़ होगा, और ये जो प्रोसेस हो रहा होगा इसको हो रहा होगा अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी इस वाले लेयर में। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इसको मज़ीद आगे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इसी बेस पे, एक जो है अपर स्ट्रेटोस्फीयर, दरमियान वाली मिडल स्ट्रेटोस्फीयर और ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर जी। तो जो ओजोन है, ओजोन की जो डिकम्पोजिशन का अमल है वो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है, यानी ओजोन यहाँ पर डिकम्पोज हो रही है। कैसे डिकम्पोज़ हो रही है, क्यों डिकम्पोज़ हो रही है, कि ये जो सनलाइट में आने वाली अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस हैं उनको वहाँ पे रोक रही है, इस रोकने के नतीजे में उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर दिया, जिसके नतीजे में ओजोन O3 जो है वो स्प्लिट हो रही है ऑक्सीजन गैस में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो ये जो है इसके राइज इन टेम्परेचर, यानी जो -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गैस स्ट्रेटोस्फीयर में, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके बिहाइंड ये रीज़न है। अब यही जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है और गैसेस ऑक्सीजन, ये दोबारा जब थोड़ा सा नीचे आते हैं मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में तो दोबारा ये जो है मिलके ओजोन बनाते हैं। यानी यहाँ पर ओजोन मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वहाँ पर रुकी, टेम्परेचर थोड़ा जो है वो कम हुआ, तो उससे दोबारा जो है ऑक्सीजन गैस प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन ये मिलेंगे और ओजोन जो है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, ओजोन दोबारा बनना शुरू हो जाएगी, यानी ओजोन फार्मेशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान वाले हिस्से में। और ये जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है थोड़ा सा, इसमें जो है हीट इवॉल्व होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर भी जो है वो राइज हो रहा है। तो हमने देखा कि जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का जो है मेन रोल है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ओजोन पहले हाफ में उसके अपर पोर्शन में डीकम्पोज होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के नतीजे में, मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में दोबारा जो है ओजोन फॉर्मेशन होती है या रीजनरेशन होती है, वही एटॉमिक ऑक्सीजन और गैसेस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस और ओजोन बनता है। और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फिर टेम्परेचर जो है वो ये तकरीबन वैसे ही, जो इससे हीट बढ़ जाती है वो उससे थोड़ा थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने जो ओवरऑल ये दो लेयर्स को देख लिया,
ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, दोनों लेयर्स में हमारे पास जो है टेम्परेचर वेरिएशन की जो काजेज हैं वो मुख्तलफ हैं। हमने देखा था ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर वेरिएट होने की जो काज है, जो वजह है वो क्या है, वो थी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स जो हैं वो जो है वो अपना ज़मीन से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, जिसके नतीजे में ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। हमारा ऑन एवरेज ग्लोब पे जो टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स। जो दूसरी हमारे पास लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की जो वजह है वो क्या है, ओजोन। तो जो ओजोन है O3, वो पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है, जिसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके नतीजे में ओजोन डीकम्पोज होती है, टूटती है, और फिर वहीं पे मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में यानी दरमियान वाले स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो है दोबारा बनती है यानी रीजनरेट होती है। तो ये हमारी टू लेयर्स जो हैं इनको हमने इन डिटेल हमारी बुक के मुताबिक जितना सिलेबस दिया गया उसको हमने देख लिया। थैंक यू।